नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं, सभी का मैं अभिवादन करती हूं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लगभग 11.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। और सुशांत की मौत के बाद कई लोगों को कार्रवाई के तौर पर हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, लेकिन कोई परिणाम हाथ में नहीं आया। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित एक बायोपिक बनाई जा रही है और फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, उसी के साथ बहुत सारे विवाद भी शुरू हो गए और आखिर में फिल्म निर्माताओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया। फिल्म के निर्माता और निदेशक के वकील डॉक्टर एपी सिंह जस्टिन दरूला की अदालत में आज दिन भर इस पूरे मामले की सुनवाई चलती रही। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं एडवोकेट एपी सिंह साहब। सुबह भी सुनवाई हुई, उसके बाद आफ्टर लंच भी सुनवाई हुई। उस पर जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो दायराई है याचिका, उसका कोई औचित्य नहीं है रिडक्शन के पॉइंट पर। उसके बाद आगे बात करते हैं अगर हम, तो शशांक फिल्म पूरी तरह से अलग है। न्याय फिल्म भी उसी पर आधारित बन रही है, न्याय फिल्म की भी थी, उनकी भी सुनवाई, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। जितने भी डिफेंडेंट हैं सबने अपना पक्ष रख रहे हैं और उसमें पक्ष रख रहे हैं। और आज एक और नई बात आई, ट्विटर किया है सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता ने ट्विटर किया है, उसमें उन्होंने रिलीज किया है। श्वेता सिंह कीर्ति रिसेंटली टुक टू हर ट्विटर हैंडल टू इन्फॉर्म हर फैंस अबाउट द स्पिरिचुअल प्लान्स टू पे होमेज टू हर लेट ब्रदर। सी रिवील्ड दैट शी विल बी ट्रेवलिंग टू द माउंटेन्स फॉर एन एंटायर मंथ, जो अगले महीने पूरे श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग। उनकी बहन ने कहा, एक तरफ तो उनके पिता क्लेम कंपनसेशन डैमेज और टीआरपी और इसकी बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटी का क्रेडिट और कॉमर्शियल और इसका इसका उसका उसका सूट फाइल करके मतलब वसूली की काम करने के बस इस पर होना चाहिए, मिलना चाहिए, इस पर मिले पैसे मिले और उनका डैमेजेस मिले, उनको रिकवर हो। और दूसरी तरफ सुशांत की बहन और जो प्लेंटिफ हैं सुशांत के फादर, उनकी सगी बेटी यहां तक पे होमेज करना चाह रही, श्रद्धांजलि देना चाह रही अपने भाई को, एकांत में एक महीने पहाड़ों पे रह के, माउंटेन्स में रह के उसकी यादों के साथ। तो सोचिए कितना बड़ा फर्क है। वो क्लेम कर रहे हैं, वो सिविल सूट डाल रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी श्रद्धांजलि देने का कितना अच्छा तरीका है, कितना बढ़िया तरीका। यही होना चाहिए। आत्ममंथन करना चाहिए कि जांच भी हो गई, जांच में भी ऐसा कुछ नहीं आ पाया कि मौत कौन, किसने क्या किया, कुछ नहीं आया। आत्महत्या की तरफ बड़ी बात, तो आत्महत्या कौन लोग जिम्मेदार थे, कौन वो लोग थे जिनकी वजह से वो आत्महत्या भी अगर कोई करता, सुसाइड भी करता, इस तरह की बात को। तो ये आज सुनवाई हुई, इस पर सभी ने अपना पक्ष रखा और आगे भी पक्ष रखेंगे। अब इसमें अगली सुनवाई 1 जून के लिए फिक्स होगी, 1 जून को दिल्ली हाईकोर्ट इस पर फिर सुनवाई करेगी। तो आपने देखा कि इस पर अगली सुनवाई जो है वो 1 जून को होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि फिल्म में एक्टर जुबेर खान सुशांत के किरदार में आपको नजर आने वाले हैं, वहीं रिया चक्रवर्ती की भूमिका में श्रेया शुक्ला नजर आने वाली हैं। और फिल्म को सुशांत के सुसाइड केस से प्रेरित बताया जा रहा है, इसलिए फिल्म को सरला सारागोई और राहुल शर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहीं फिल्म को डायरेक्टर दिलीप गुलाटी डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये अपने निर्धारित समय पे रिलीज हो पाती है कि नहीं। इस फिल्म को रिलीज होने का इसका जो टाइम है वो 11 जून है। और आपने देखा कि उसकी सिस्टर ने एक ट्वीट किया है आज और उसी पे रीट्वीट किया है कि किस तरीके से सुशांत सिंह का याद को वो पहाड़ों में जाकर के शांति से उस दिन को याद करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल एमबी स्पीक्स। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।